जीटीएम ग्राउंड में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, बाबा रामदेव, श्रम मंत्री अनूप धानक सहित अनेक दिग्गजों ने शिरकत की। सभी दिग्गजों ने दिग्विजय चौटाला और उनके परिवार को बधाई दी। बता दें कि दिग्विजय चौटाला की पंजाब के अमृतसर निवासी लगन रंधावा के साथ 15 मार्च को शादी तय हुई है। आज भी सिरसा में प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि दिग्विजय चौटाला ने के दादा हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और चाचा अभय चौटाला इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यक्रम में दादा ओम प्रकाश चौटाला पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि 13 मार्च को दिग्विजय चौटाला और लगन रंधावा की रिंग सेरेमनी है और उसके बाद 15 मार्च को शादी है। शादी को लेकर दिग्विजय चौटाला के परिवार के लोगों ने केंद्रीय और हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से कई मंत्रियों को निमंत्रण दिया है। कई बॉलीवुड स्टार को भी शादी समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। देखिए, आज चौटाला परिवार में दिग्विजय सिंह की शादी है और आज दिग्विजय जी को और पूरे चौटाला परिवार को बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिग्विजय, उसकी आज शादी है, उसकी उम्र लंबी हो, उसका जीवन सुखमय हो, ये मैं ईश्वर के चरणों में कामना करता हूँ। लोक नायक हमारे श्रद्धे देवीलाल जी से लेकर के आदरणीय ओपी चौटाला साहब से लेकर के भाई अजय, अभय और दिग्विजय से लेकर के और दुष्यंत, ये पूरा परिवार जो है हमारा अपना परिवार है और दुष्यंत एक बहुत उभरता हुआ युवा व्यक्तित्व नेतृत्व है और इस परिवार के साथ हमारा ने हमारे 3 पीढ़ियों का आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव, उनके गुरुजी, उनका एक संबंध रहा है और उस संबंध के नाते और एक आत्मीय प्रेम है परिवार के लिए, उसको इन बच्चों को आशीर्वाद।